वेलकम टू इलेक्ट्रिक शॉक यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसके ऊपर जो वॉल्स लगे होते हैं वो किस लिए लगे होते हैं, किस मटेरियल्स के बने होते हैं और उसका साइज क्या होता है और किस टाइम पे लगाए जाते हैं, उस टाइम सप्लाई ऑन होती है नहीं होती है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं तो इस वीडियो में। और वही प्रैक्टिकली फॉर्म में देखेंगे, वीडियोज़ के क्लिप्स के मीडियम से देखेंगे कैसे इसको इनबिल्ड किया जाता है वहाँ पे। सो आज की इस वीडियो में हम इस पूरे प्रोसेस को फुल डिटेल्स में जानेंगे, तो उसके लिए वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही कमाल के वीडियोज़ के लिए। चीज जो ट्रांसमिशन लाइन में बॉल्स लगी होती है उसको बोलते क्या है, तो ट्रांसमिशन लाइन में जो बॉल्स लगी होती है उसको बोलते हैं एरियल मार्कर बॉल्स। तो अगर बात करें इनके कलर्स की तो ये बेसिकली तीन कलर के होते हैं, व्हाइट, ऑरेंज और येलो, यानी कि पीला, नारंगी और सफेद। ये तीन बेसिक कलर होते हैं जिनका यूज किया जाता है एरियल मार्कर बॉल्स का कलर डिसाइड करने में। ट्रांसमिशन लाइन की एरियल मार्कर बॉल्स का साइज होता है वो 36 इंच यानी कि 91.44 सेंटीमीटर होता है। सो मेन टॉपिक की बात करते हैं, तो मेन टॉपिक क्या है कि ट्रांसमिशन लाइन्स में इनका यूज क्यों करते हैं। इसका यूज इसलिए करते हैं, इसका यूज बेसिकली उन जगह पर करते हैं जहाँ के 1500 मीटर के दायरे में कोई एयरक्राफ्ट स्टेशन या कोई एयरपोर्ट आसपास हो, उन जगह पर यूज करता है कि जो प्लेन होता है वो इनसे टकरा के डैमेज ना हो जाए। इनका यूज इसलिए किया जाता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि आपने कभी पतंग उड़ाई हो, जब पतंग उड़ाते हैं तो उसकी जो थ्रेड यानी कि डोर होती है वो हमको आसानी से नहीं दिखती है, लेकिन अगर उस पर कहीं पर गांठ लगी हो तो वो इजिली दिख जाती है। सो इसी टेक्निक का यूज करके ट्रांसमिशन लाइन पे बॉल्स का यूज करते हैं ताकि जो प्लेन या फिर क्राफ्ट की चीजें हैं वो इससे टकराए ना और डैमेज ना हो, नहीं तो भारी नुकसान हो सकता है ट्रांसमिशन लाइन को, पावर जनरेशन को और प्लेन को। तो काफी बहुत बड़ा नुकसान होगा, इसलिए मार्कर बॉल्स का यूज किया जाता है।